लिए एक ऐसी खबर लेकर आई हूँ जो आप सभी के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर इस खबर को आप समझ जाएंगे और जान जाएंगे तो वाकई में आपके होश उड़ जाएंगे। क्योंकि हाल ही में चाइना में एक रिसर्च की गई थी और इस रिसर्च में जो कुछ दावे किए गए हैं वो चौंकाने वाले हैं। तो इस रिसर्च में जो कहा गया है, आइए आपको मैं बताती हूँ। लगातार हम यही सुन रहे हैं, कोरोना पॉजिटिव जो लोग हैं उनके संपर्क में आने में, उनके नज़दीक में आने में हम सभी को बहुत ज़्यादा खतरा है और हम सभी को कोरोना होने का डर भी है। लेकिन ये जो शोध हुआ है, जो रिसर्च हुई, इसमें दावा किया गया है कि हर किसी को, यानी हर वो व्यक्ति जो कोरोना पॉजिटिव मरीज़ के संपर्क में आया था उसे कोरोना हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो क्या कुछ हुआ इस रिसर्च में, आइए आपको उसके पॉइंटर्स बता देती हूँ। तो जो रिसर्च हुई है ये चीन के सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल, शेंजन बेस्ड है, इसमें हुई है। और ये कब हुई ये भी बता देती हूँ, 14 जनवरी से 12 फरवरी के बीच में हुई। इस बीच 391 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। तो उन लोगों को यहाँ पे बतौर सैंपल लिया गया जो लोग इनके संपर्क में आए थे। और ये जो लोग हैं इन्हें तीन कैटेगरी में बांटा गया। पहले वो लोग थे जो इन लोगों के साथ घर पे साथ में रहते थे, दूसरे वो लोग थे जो इनके साथ यात्रा या ट्रैवल करते थे, और तीसरी कैटेगरी में उन लोगों को रखा गया जो इनके साथ भोजन करते थे। तो इस रिसर्च में जो कुछ भी पाया गया वो वाकई में हैरान करने वाला था। तो सबसे पहले ये देखा गया जो कोरोना पॉजिटिव लोगों के साथ साथ में घर में रहते थे, तो पाए गए 686, उनमें से 77 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, यानी 11.2। उसी के बाद अगर हम बात करें वो लोग जो कि खाना खाया करते थे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स के साथ, जो संक्रमित थे कोरोना से पहले ही, तो 707 लोग वो निकल कर आए, उनमें से 61 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, यानी 8.6%। और तीसरे वो लोग जो थे जो कि यात्रा करते थे, तो 318 में से 18 लोग निकले, यानी 5.7%। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि उसमें ये दावा किया जा रहा है कि हर कोई जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के संपर्क में आया उसे कोरोना नहीं हुआ, बल्कि उन लोगों को ज़्यादा खतरा है जो उन लोगों के साथ घर में रहते हैं, 11.2%, और उन लोगों को ज़्यादा खतरा है जो उन लोगों के साथ भोजन शेयर करते हैं, ट्रैवल करते हैं। हर किसी को डर नहीं है। तो एक ऐसे माहौल में जहाँ हर कोई डरा हुआ है, परेशान है, मुझे लगता है ये जो शोध है जो चीन के सेंटर फॉर कंट्रोल डिसीज़ ने किया है, ये वाकई में राहत की बात है। तो ये वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल।